हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर विजय। आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज़, मधुमेह और शुगर नाम की बीमारी कितने टाइप की होती है। लेकिन इसको जानने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक शुगर और एक इंसुलिन। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और इन दोनों का डायबिटीज से क्या लेना देना है, ये आपको समझना है। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये हमको एनर्जी देता है। जो खाना हम लोग खाते हैं, शरीर अलग अलग तरह की प्रोसेस से उसको गुजारता है और उसके बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारा शरीर ऐसे ही इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता है। उसको इसके इस्तेमाल करने के लिए, ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए चाहिए होता है एक खास तरह का हार्मोन, जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि से निकलता है, और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर ही डिपेंड करता है कि किसी भी इंसान को किस तरह का डायबिटीज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा कि शुगर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा और शुगर और हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, वो जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाने का काम करती है, उसी पे अटैक करता है और इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये आमतौर पर यंग एज में देखा जाता है। कहा जाता है कि 30 साल से जो छोटी उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज मिलती है, और इन लोगों का इंसुलिन के शॉट्स लगाए बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता है ये। लेकिन काफ़ी जो है 5 से 10 या 15% तक के लोगों में ही जो डायबिटीज़ के केसेज होते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, वो टोटल डायबिटीज़ में से 10 से 15% केसेज ही होते हैं। कई जगह पे तो 5%, 5, 10, 15%। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब टोटल डायबिटीज़ के केसेज में से 10 से 15% केसेज ही टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। दूसरे होता है कि अगर किसी के शरीर में इंसुलिन या तो बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है, यानी कि जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, या फिर इतनी ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है कि शरीर उस इंसुलिन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है। डायबिटीज़, मधुमेह और शुगर नाम की बीमारी कितने टाइप की होती है, लेकिन इसको जानने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक शुगर और एक इंसुलिन। इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और इन दोनों का डायबिटीज़ से क्या लेना देना है, ये आपको समझना है। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये हमको एनर्जी देता है। जो खाना हम लोग खाते हैं, शरीर अलग अलग तरह की प्रोसेस से उसको गुजारता है और उसके बाद उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारा शरीर ऐसे ही इस ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाता है। उसको इसके इस्तेमाल करने के लिए, ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए चाहिए होता है एक खास तरह का हार्मोन, जो हमारे शरीर में पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि से निकलता है, और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। और शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर ही डिपेंड करता है कि किसी भी इंसान को किस तरह का डायबिटीज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा कि शुगर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा और हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, वो जो पैनक्रियाज जो इंसुलिन बनाने का काम करती है, उसी पे अटैक करता है और इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये आमतौर पर यंग एज में देखा जाता है। कहा जाता है कि 30 साल से जो छोटी उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ मिलती है, और इन लोगों का इंसुलिन के शॉट्स लगाए बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता है। लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब टोटल डायबिटीज़ के केसेज में से 10 से 15% केसेज ही टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं। दूसरे होता है कि अगर किसी के शरीर में इंसुलिन या तो बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है, यानी कि जितना हमारे शरीर को चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, या फिर इतनी ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है कि शरीर उस इंसुलिन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा है, और हमारा शरीर इस तरह से धीरे धीरे करके उस इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाता है, और शरीर इंसुलिन ना इस्तेमाल नहीं कर पाता, इस वजह से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ने लग जाती है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, वो ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ में होती है। 40 से 45 साल की उम्र के बाद में ये केसेस देखे जाते हैं। लेकिन आज काफ़ी केसेस ऐसे भी आते हैं जो काफ़ी यंग है और उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। ये पैटर्न जो है, इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तीसरी टाइप का जो डायबिटीज़ होता है, वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। कुछ गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ के केसेस देखे जाते हैं। इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ज़्यादातर केसेस में डिलीवरी होने के बाद में ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन जब यही फीमेल दोबारा भविष्य में जब कभी प्रेगनेंसी होती है, तब फिर से उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का चांस
रहता है। और ऐसा देखा गया है कि जिनको प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ हो जाती है, भविष्य में जाके उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का चांसेस होते हैं। चौथी टाइप की डायबिटीज़ होती है जब किसी लोगों को कुछ तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या कोई हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, उनमें भी डायबिटीज़ होने का चांस होता है। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक और भी है डायबिटीज़ में, प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक मतलब कि उसके ब्लड का शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट कह सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई और सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम आगे डायबिटीज़ पे वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और इसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। थैंक यू सो मच।